अभी आपने अम्ल तथा क्षारकों के वियोजन के विषय में जाना। हमने जाना कि जब कोई अम्ल, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब यह अम्ल वियोजित होगा तो यह एक H पॉजिटिव आयन देगा और एक Cl नेगेटिव आयन देगा, यानी कि HCl के वियोजन से हमें एक प्रोटॉन प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन करें तो हमें एक Na प्लस पॉजिटिव आयन मिलेगा और एक OH माइनस या OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HCl के द्वारा एक प्रोटॉन का निष्कासन किया जा रहा है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा एक हाइड्रोक्सिल आयन का निष्कासन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें एक हाइड्रोजन आयन या एक विस्थापनी हाइड्रोजन आयन या एक विस्थापनी प्रोटॉन उपस्थित है। हम ये भी जानते हैं कि जब किसी अम्ल में जितनी संख्या में विस्थापनी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसे हम अम्ल की अम्ल क्षारकता कहते हैं, और इसी तरह से जब किसी क्षारक में जितने विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं उसे हम उस क्षारक की अम्लता कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर एक क्षारकीय अम्ल है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक अम्लीय क्षारक है। इसी तरह से हमारे पास और भी अम्ल है, जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल जिसका सूत्र है COOH COOH। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में दो दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं और इनसे हमें दो दो प्रोटॉन प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि ये द्विक्षारकी अम्ल कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम एक और उदाहरण ले सकते हैं फास्फोरिक अम्ल का, जिसका सूत्र है H3PO4। यदि H3PO4 का वियोजन होता है तो यहाँ पर हमें तीन विस्थापनी हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल है, जबकि फास्फोरिक अम्ल यहाँ पर त्रिक्षारकीय अम्ल कहलाएगा। इस तरह से ये किसी भी अम्ल में या किसी भी अम्ल के एक अणु में जितने विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसके आधार पर उसकी क्षारकता निर्धारित होती है, और यदि एक ही अणु में एक से अधिक या हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो या विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित हो तो ऐसे अम्लों को हम बहुक्षारकी अम्ल या पॉलीप्रोटिक अम्ल कहते हैं। और इसी तरह से यदि एक ही क्षारक में एक से अधिक विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो तो ऐसे क्षारकों को हम बहु अम्लीय क्षारक या पॉली एसिडिक बेस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या जो बहु क्षारकी अम्ल होते हैं उनका वियोजन या उसमें से हाइड्रोजन आयन, क्योंकि उसमें एक से अधिक प्रोटॉन है, एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो उनका निष्कासन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो कि द्विक्षारकी अम्ल है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें दो प्रोटॉन हैं लेकिन इसका निष्कासन एक ही बार में नहीं होता है। सबसे पहले इसमें से एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा और इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होगा H+ HSO4-। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में ये जो HSO4- ऋण आयन हमें प्राप्त हुआ है इसमें से पुनः उपस्थित जो दूसरा प्रोटॉन है वह निष्कासित होगा H+ और हमें प्राप्त होगा SO4-2- आयन। और इस तरह से इस पहली वाली इक्वेशन के लिए यदि हम साम्यावस्था स्थिरांक या हम कहें आयनन स्थिरांक लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे Ka = यहाँ पर HSO4- की कंसंट्रेशन इनटू H+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2SO4 की कंसंट्रेशन। और यदि इसके लिए आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात किया जाता है तो यह प्राप्त होता है 1.7 × 10⁻²। इसी तरह से जब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए आयनन स्थिरांक का मान लिखते हैं जिसे हम Ka2 नाम देंगे तो यहाँ पर Ka2 के लिए जो हमें इक्वेशन होगा वो इस प्रकार से होगा SO4-2- की कंसंट्रेशन इनटू H+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HSO4- की कंसंट्रेशन। और इसके लिए जब हम आयनन स्थिरांक का मान पता करते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है 6.4 × 10⁻⁸।
यानी कि पहले वाले के ए की तुलना में के ए टू का मान काफी कम होता है। इसी तरह से यदि हम एक और उदाहरण लें, त्रिक्षारकीय अम्ल यानी कि फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का उदाहरण लें, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पर K1 की जो वैल्यू प्राप्त होती है वह होती है 7.5 × 10⁻³। इसी तरह से इसके लिए Ka2 की वैल्यू जो प्राप्त होती है वह होती है 6.2 × 10⁻¹। और इसके लिए Ka3 की जो वैल्यू प्राप्त होती है वह होती है काफ़ी कम 4.2 × 10⁻³। ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो बहुक्षारकीय अम्ल है उसमें से जो प्रोटॉन का निष्कासन है वह पहले जो प्रोटॉन का निष्कासन है उसकी दर तीव्र होती है, जबकि बाद वाले प्रोटॉन का निष्कासन या वियोजन धीमी गति से या कम मात्रा में होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे हम इसमें कारण इसकी फास्फोरिक अम्ल की संरचना या सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना पर देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फास्फोरिक अम्ल की संरचना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये त्रिक्षारकीय अम्ल है और इसमें से 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं, और जब इसमें से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध से एक हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि अब ये यहां पर H2PO4- बन चुका है। और इस तरह से हम यहां पर देखें कि अब चूंकि एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर जो प्रोटॉन बचे हुए हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्थिति में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में एक ऋण आयन में से एक धन आयन या प्रोटॉन को उसके आकर्षण बल के विरुद्ध निष्कासित करना काफी कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि एक ऋण आयन से धन आयन यानी कि H+ आयन का निकलना कठिन हो जाता है, और इसीलिए इनके लिए जो आयनन स्थिरांक का मान दूसरे हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए जो आयनन स्थिरांक का मान है उसका मान कम हो जाता है, और इसी तरह तीसरे हाइड्रोजन के लिए भी आयनन निष्कासन का जो मान है वो काफी कम हो जाता है। तो ये तो थी बहुक्षारकीय अम्लों के वियोजन की बात। अब हम देखते हैं कि अम्ल का वियोजन या जो अम्ल का आयनन हो या फिर अम्ल के प्रोटॉन त्यागने की जो क्षमता है वह भी कई कारकों पर निर्भर करती है, किसी भी और इसी के आधार पर जो भिन्न भिन्न अम्ल होते हैं उनके पीएच वैल्यू भी भिन्न भिन्न होती है। किसी यदि हमारे पास कई प्रकार के अम्ल हैं तो इसमें से कौन सांद्र है, कौन अधिक प्रबल है, कौन कम प्रबल है, इसकी तुलना तो हम पीएच वैल्यू के आधार पर कर लेते हैं। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में कोई अम्ल अधिक प्रबल क्यों है और दूसरा अम्ल उसकी तुलना में दुर्बल क्यों होता है? तो किसी भी अम्ल की अम्लता को प्रभावित करने के पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है किसी भी अम्ल में जो हाइड्रोजन है और तथा उससे जुड़ा हुआ जो ऋण आयन है उसके बीच जो बंध की सामर्थ्य है, यानी कि यदि हम अम्ल को HA के रूप में दर्शाएं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि H और A के बीच जो बंध है उसकी सामर्थ्य कितनी है, यानी कि उनके बीच जो बंध है वो कितना मजबूत है या उसे तोड़ना कितना कठिन है या उसे तोड़ना कितना आसान है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो HA बंध है उसकी ध्रुवता कितनी है, उसमें पोलैरिटी कितनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आबंध की सामर्थ्य किस प्रकार से किसी भी अम्ल की अम्लता को प्रभावित करती है। यदि हाइड्रोजन और ऋण आयन के बीच जो आबंध है वह कमजोर होगा तो उसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वह आसानी से टूट जाएगा, यानी कि ऐसे अम्ल में से हाइड्रोजन या प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाएगा और इस स्थिति में अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, अम्ल अधिक प्रबल हो जाएगा। दूसरी ओर
यदि हम पोलैरिटी की बात, बंध के ध्रुवता की बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि हम देखें कि हाइड्रोजन और ऋण आयन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऋण विद्युतता में अंतर जितना अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि जो ऋण आयन है वो जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं वो ससंयोजक बंध के बीच के जो साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा जो ऋण आयन है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वह हाइड्रोजन और ऋण आयन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उन्हें अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन का निष्कासन आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि इनके बीच की ऋण विद्युतता में अंतर बढ़ जाता है, यानी कि इनकी जो अणु है उसमें पोलैरिटी या ध्रुवता हमें दिखाई पड़ने लगती है, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो इसका वियोजन, हाइड्रोजन का वियोजन सरल हो जाता है और उससे अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो गुण है वह पीरियोडिक टेबल में हम किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि जब हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त में चलते हैं, यानी कि बाएं से दाईं ओर चलते हैं, उस स्थिति में इनके बीच की जो ध्रुवता होती है, हाइड्रोजन और ऋण आयन के बीच की ध्रुवता, वह अम्ल की प्रबलता को ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके हाइड्राइडों को। कार्बन का हाइड्राइड यहाँ पर मीथेन होगा, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 और H। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध है। उसी तरह से नाइट्रोजन का हाइड्राइड हम अमोनिया लेते हैं, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे NH2 और बॉन्ड H। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइड्राइड जल होगा, जो होगा OH, और यहाँ पर बंध के साथ यहाँ पर H है। इसी तरह से यहाँ पर है फ्लोरीन का हाइड्राइड, ये होगा HF। तो यहाँ पर F और इसके बीच बंध के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि इन सभी हाइड्राइडों में जो ऋण आयन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 4.0। उसके बाद होती है ऑक्सीजन की, यह होती है लगभग 3.0। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन की, और सबसे कम होती है कार्बन की। इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच आबंध है वो सबसे ज़्यादा पोलर या ध्रुवी प्रकृति का होगा, और यही कारण है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में से हाइड्रोजन का निष्कासन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम अम्ल प्रबलता की बात करें, तो बाएं से दाईं ओर चलने पर अम्ल प्रबलता, इनके हाइड्राइडों में जो अम्ल प्रबलता है उसका मान बढ़ता है, क्योंकि इस लेफ्ट टू राइट जाने पर ही हम देख रहे हैं कि तत्व की या जो ऋण आयन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जबकि दूसरी ओर हम वर्ग में देखें, ऊपर से नीचे पर आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तत्व का आकार, परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है और ऋण आयन है उनके बीच क्या जो बंध लंबाई है उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन के लें, तो यहाँ पर हैलोजन के हाइड्राइड जो होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, यहाँ पर HCl होगा, HBr होगा या HI होगा। यदि हम इनकी तुलना करें तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन के हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका आकार सबसे कम होगा, और फ्लोरीन का आकार सबसे कम है, फिर क्लोरीन का अधिक है, नीचे आने पर आयोडीन तक आकार बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बंध की लंबाई है वो बहुत कम है, लेकिन हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की जो बंध लंबाई है वो अधिक है। और हम जानते हैं कि बंध लंबाई जितनी अधिक होती है उसके लिए वियोजन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन आयन को निष्कासित करना काफी आसान होगा। और यही कारण है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अम्ल सामर्थ्य में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि इसी क्रम में बंध लंबाई का मान बढ़ रहा है और वियोजन ऊर्जा का मान कम हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवर्त में जो
अणु के में उपस्थित पोलैरिटी है या ध्रुवता है वह अम्ल के सामर्थ्य को प्रभावित करती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऋण आयन और हाइड्रोजन के बीच जो अवबंध की लंबाई है वह अम्ल के सामर्थ्य को प्रभावित करती है। एक और महत्वपूर्ण कारक है जो कि अम्ल या क्षारकों के आयनन को प्रभावित करता है और इस कारक को हम कहते हैं सम आयन प्रभाव। हम जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक होते हैं वो तो पूरी शत प्रतिशत वियोजित हो जाते हैं और उनका आयनन शत प्रतिशत होता है, लेकिन जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक होते हैं उनका आयनन सम आयन प्रभाव के द्वारा भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण लेते हैं। यह दुर्बल अम्ल है एसिटिक एसिड। हम जानते हैं कि इसका ये बहुत ही वीक एसिड है और इसका आयनन बहुत ही कम होता है। जब इसका आयनन होता है तो एक हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बनेगा या हाइड्रोजन आयन बनेगा और साथ ही बनते हैं एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव आयन। अब इस विलयन में ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि हम कोई एक प्रबल विद्युत अपघट्य या साल्ट डाल दें, ऐसा साल्ट जिसमें कि एक आयन ऐसा उपस्थित हो जो कि दुर्बल अम्ल में भी उपस्थित है, जैसे कि मान लीजिए हम एसिटिक एसिड के विलयन में डालते हैं सोडियम एसीटेट। अब हम सोडियम एसीटेट का जब आयनन होगा तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें सोडियम Na+ पॉजिटिव आयन मिलेंगे और एसीटेट आयन मिलेंगे और एसीटेट आयन बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे क्योंकि ये जो सोडियम एसीटेट है एक प्रबल लवण है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और इसलिए बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हमें एसीटेट आयन मिलेंगे। अब चूंकि यहाँ पर एसीटेट आयनों की संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लीश-टेलिये के सिद्धांत के अनुसार क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ गई है तो अब यहाँ पर जो साम्यावस्था है वह स्थिर न रहकर डिस्टर्ब हो जाएगी और यहाँ पर यह जो साम्यावस्था उस दिशा की ओर अग्रसर होगी जिससे ये बढ़े हुए एसीटेट आयनों की सांद्रता कम हो जाए, यानी कि अभिक्रिया बैकवर्ड दिशा में आगे बढ़ेगी और ये जो एसीटेट आयन है ये पहले से जो हाइड्रोजन आयन जो एसिटिक अम्ल के वियोजन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन है उनके साथ मिलकर यह पुनः एसिटिक एसिड का निर्माण करेंगे और एसिटिक एसिड जिसका वियोजन कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कॉमन आयन उपलब्ध कराकर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन को और भी कम कर सकते हैं, या इसे हम यदि परिभाषित रूप से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे पदार्थ के मिलाने से जो कि विघटन साम्य में पहले से उपलब्ध समान आयन या समान आयनिक स्पीसीज को उपलब्ध कराकर साम्यावस्था को विस्थापित कर देता है, इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। और इस समायन प्रभाव को हमने देखा कि लेश-टेलिये के सिद्धांत के अनुसार आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इस प्रकार से जो आयनन का वियोजन दुर्बल विद्युत अपघट का वियोजन सम आयन के प्रभाव से कम हो जाता है, इसकी वजह से विलयन का जो पीएच है वह भी प्रभावित होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक दुर्बल अम्ल के विलयन में किसी सम आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्य को मिला देने से उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और इसमें हम 0.1 मोलर के सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन को जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है इसमें मिलाते हैं और ये जानते हैं कि इससे विलयन का जो एसिटिक एसिड विलयन का जो विलयन था उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हम बता दें कि जो एसिटिक एसिड है उसके आयनन स्थिरांक का मान काफ़ी कम होता है और इसका मान होता है 1.8×10⁻¹। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले एसिटिक एसिड इसका वियोजन इस प्रकार से होगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड यहाँ पर रिवर्सिबल एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब
मान लीजिए यहाँ पर जो एसिटिक एसिड, जैसे कि हमें बताया गया है कि एसिटिक एसिड इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 0.1 मोलर है। इसी तरह से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर जो एसिटेट आयन है अभिक्रिया के प्रारंभ में ही, क्योंकि हमने यहाँ इसमें मिला दिया है प्रबल विद्युत अपघट्य, इसे हम जितनी मात्रा में है, जितनी सांद्रता में हमने मिलाया है, उतने एसिटेट आयन हमें पहले से ही उपलब्ध होंगे, जबकि अभी एसिटिक एसिड का वियोजन प्रारंभ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभिक्रिया के प्रारंभ में ही हमारे पास एसिटेट आयन होंगे और ये होंगे 0.1 मोलर, जबकि हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होगी वो 0 मोलर होगी। अब इसके पश्चात यहाँ पर एसिटिक एसिड का वियोजन प्रारंभ होगा और मान लीजिए कि इसके वियोजन की मात्रा है अल्फा, इसके सांद्रण में क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एसिटिक एसिड की सांद्रता है उसमें अल्फा मोल की कमी आ जाएगी, जबकि जो एसिटेट आयन थे उनकी सांद्रता में अल्फा की बढ़ोतरी हो जाएगी, जबकि हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता अल्फा होगी। अब इस प्रकार जब साम्यावस्था पर जो साम्य सांद्रता होगी वो इस प्रकार से होगी, एसिटिक एसिड की जो साम्य सांद्रता होगी वो 0.1 माइनस अल्फा के बराबर होगी, जबकि एसिटेट आयनों की जो सांद्रता होगी वो 0.1 प्लस अल्फा के बराबर होगी, जबकि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता यह भी अल्फा के बराबर होगी। सभी की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। अब यहां पर हम देखते हैं यदि इसके लिए हम साम्य स्थिरांक या आयनन स्थिरांक Ka का मान निकालते हैं तो यह होगा एसिटेट आयनों की मोलर कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोनियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन। अब इसके फलस्वरूप अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके वैल्यू हम रख दें तो यहाँ पर एसिटेट आयनों की मोलर कंसंट्रेशन ये निकल गई है 0.1 प्लस अल्फा और इनटू हो जाएगी हाइड्रोनियम आयनों की कंसंट्रेशन जो कि अल्फा है, डिवाइडेड बाय हो जाएगी यहाँ पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो कि 0.1 माइनस अल्फा है। अब हम यहाँ पर देखें कि चूंकि जो अम्ल है काफ़ी दुर्बल है और इसका वियोजन काफ़ी कम होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो एसिटिक एसिड की सांद्रता है उसकी तुलना में अल्फा के मान को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से अल्फा के मान को यदि हम हटा देते हैं तो दोनों में से हटाएंगे हम एसिटिक एसिड की सांद्रता में से भी और एसिटेट आयनों की सांद्रता में से भी, और यह हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यदि हम 0.1 प्लस अल्फा है और 0.1 माइनस अल्फा दोनों की वैल्यू 0.1 के बराबर हो जाएगी। अब फिर से हम इक्वेशन में नाम मान रखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर क्योंकि हमें के ए की वैल्यू भी दी गई थी तो यहाँ पर हम के ए की वैल्यू भी रख देते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 1.8 इंटू 10^-5 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 और 0.1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा 1.8 इंटू 10^-5 इज इक्वल टू अल्फा, और यहां पर ये चूंकि अल्फा क्या है, अल्फा यहां पर है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1.8 इंटू 10^-5 ये इज इक्वल टू है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। अब बड़ी आसानी से क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्राप्त हो चुकी है तो इसकी सहायता से हम इस विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई है और यहाँ पर हम लिख देंगे 1.8 इंटू 10^-5 और इस तरह से यहाँ पर माइनस ये जो फिर से इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने पर यह हमें मिलेगा 5 माइनस 0.2553 और इसको फिर से अरेंज करते हैं तो यहाँ पर लॉग की वैल्यू हम रख देंगे और इस तरह से ये जो फाइनल पीएच वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 4.74। तो इस तरह से एसिटिक एसिड के 0.1 मोलर सॉल्यूशन में यदि हम 0.1 मोलर के ही सोडियम एसिटेट विलयन को मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 4.74। तो इस तरह से हम इस किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य तथा उसमें
किसी प्रबल विद्युत अपघट्य को मिलाकर, जिसमें कि वही एक कॉमन आयन उपलब्ध हो, उपस्थित हो, तो इसकी सहायता से हम इस मिश्रण की, जो रिजल्टिंग मिश्रण होगा, उसके पीएच मान की गणना कर सकते हैं।